2024 लोकसभा चुनाव में यूपी में रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी अखिलेश यादव की टेंशन बढ़ा सकते हैं, क्योंकि संभल सीट पर चुनाव लड़ने पर जयंत ने कुछ ऐसा कह दिया जिससे कई संकेत मिल रहे हैं और सपा की अब टेंशन बढ़ सकती है। दरअसल संभल में जयंत चौधरी ने सोमवार को किसान कामगार सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए संभल लोकसभा सीट से रालोद के चुनाव लड़ने पर कहा, कौन सी सीट किसके खाते में और किसके सिंबल पर चुनाव लड़ा जाएगा अभी ये तय नहीं हुआ है। समाजवादी पार्टी का गढ़ है, अभी कौन सी सीट किसके खाते में किस सिंबल पे लड़ी जाएगी ये तय नहीं, लेकिन ये बात सही है कि हमारा दावा हो सकता है। दो कर रहे लोग आप, हमारे मजबूत लोग हमारे साथ जुड़े हैं और वो पूरा प्रयास कर रहे हैं, जमीन पे मेहनत कर रहे हैं। बता दें कि संभल सीट पर इस समय समाजवादी पार्टी का कब्जा है और इस सीट पर सपा के टिकट पर शफीकुर रहमान बर्ग की जीत हुई थी। इससे पहले भी संभल सीट से मुलायम सिंह यादव और रामगोपाल यादव भी जीत चुके हैं, इसलिए ये सीट सपा के लिए बहुत खास है। लेकिन ऐसे में जयंत के बयान से इस सीट को लेकर सवाल खड़ा कर दिया है, जो कि अब सपा की टेंशन बढ़ा सकता है। वहीं इंडिया गठबंधन में सपा और कांग्रेस के बीच चल रही खींचतान पर जयंत चौधरी ने अपनी बात रखी। बोले, समाजवादी पार्टी अभी इंडिया गठबंधन में घटक दल का हिस्सा है। गठबंधन की जितनी भी मीटिंग हुई उसमें अखिलेश यादव भी शामिल हुए, इसलिए ऐसा नहीं कह सकते कि वो इंडिया गठबंधन का अब हिस्सा नहीं है। इंडिया के सभी बैठकों में, बल्कि एक बैठक बिहार में जो शुरुआत हुई थी उसमें मैं नहीं था, अखिलेश जी तो उसमें भी थे। तो समाजवादी तो इंडिया का घटक दल है और ना उन्होंने उस बात को इनकार किया, ना उन्होंने ये कहा कि इंडिया के साथ नहीं। इस दौरान जयंत चौधरी ने अखिलेश के पीडीए गठबंधन जैसा एक और गठबंधन बनाने की बात कही। पीडीए का गठन क्या है? वो तो सामाजिक गठबंधन है, वो तो सामाजिक गठजोड़ है। हम तो चाहते हैं किसानों का भी गठबंधन एक बने। किसान कमेरा हमने नाम आज दिया, हम चाहते हैं किसान कमेरा का भी गठबंधन बने। तो ये अपने सोचने के तरीके होते हैं और अपने आप को संगठित करने के प्रयास हैं। बोले, सपा ने एक सामाजिक गठबंधन पीडीए बनाया है और हम भी चाहते हैं कि किसान कमेरा के नाम से किसानों का भी एक गठबंधन होना चाहिए, लेकिन राजनीतिक रूप से राष्ट्रीय स्तर पर हम सब इंडिया गठबंधन का हिस्सा ही हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।